सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्लस ये है सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस। आज हम करने वाले हैं इस फोन की जल्दी से अनबॉक्सिंग और हम देखते हैं कि इस फोन का जो है परफॉर्मेंस हमें जो है कैसा दिखाई देता है, जो कि सैमसंग ने लॉन्च किया है 15,990 रुपए में। क्या ये 15,990 रुपए कंफर्टेबल है ये फोन या फिर जो है नहीं है? तो कर देते हैं इस फोन की जल्दी से अनबॉक्सिंग। तो आपको जो है बॉक्स कुछ इस तरीके से जो है दिखाई देगा, जहां पे मिड में लिखा है J6 प्लस एंड कॉर्नर पे लिखा है सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस 64GB। देखते हैं बॉक्स के बैक साइड में, तो यहां पर जो है कुछ की फीचर जो है हाईलाइटेड है, जहां पर लिखा हुआ है इन्फिनिटी डिस्प्ले, ड्यूअल रियर कैमरा और इमोटिफाई। तो कर देते हैं इसको जल्दी से अनबॉक्स और हम देखते हैं कि इस फोन का जो परफॉर्मेंस है हमें कैसा दिखाई देता है। बॉक्स को अनबॉक्स करते समय मिलता है हमें एक फोन जो कि अवेलेबल है हमारे पास ब्लैक कलर का, जिसके लुक एंड डिजाइन की बात करें तो काफी अच्छा जो है लुक आपको इस फोन का जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि है सैमसंग ने पहली बार कुछ जो है चेंजेस किए हैं सैमसंग गैलेक्सी J सीरीज में, जो कि पहले जो देता था वो था पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में, लेकिन जो है J6 प्लस के साथ में जो है लुक काफी अल्टीमेट जो है चेंजेस किए हैं इस फोन के साथ में, जो कि फील आ रहा है जो कि है सैमसंग के गैलेक्सी S सीरीज वाला, मतलब काफी प्रीमियम जो है फील आ रहा है। रखता हूं इसको एक बार साइड में, देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या और एक्सेसरीज अवेलेबल है। बॉक्स में अवेलेबल है यूजर मैनुअल गाइड, साथ में आपको मिल जाएगी यहाँ पर सैमसंग की एक नॉर्मल सी ईयरफोन, एंड साथ में आपको मिल जाएगी यहाँ पर डेटा केबल जो कि है USB 2.0, एंड साथ में आपको मिल जाएगा जो कि है अडेप्टर, जहाँ पर आउटपुट की बात करते हैं तो वो है 5 वोल्ट और 1.0 एम्पियर का। तो बस यही कंटेंट आपको जो है बॉक्स में देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं फोन के फिजिकल ओवरव्यू की, तो ये है फोन का फ्रंट साइड, जहाँ पर आपको मिल जाएगा 6.0 इंच का डिस्प्ले, जहाँ पर यूज किया गया है 18:5:9 स्क्रीन रेशियो। देखते हैं फोन के बैक साइड में, आपको यहाँ पर जो है बहुत अच्छा ग्लोसी फिनिशिंग जो है आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में जो है ग्लोसी फिनिशिंग दिया गया है, जहां पर आपको मिल जाएगा डुअल रियर कैमरा जो कि है 13MP प्लस 5MP का डुअल रियर कैमरा, साथ में आपको मिल जाता है LED फ्लैश और नीचे मिल जाती है सैमसंग की ब्रांडिंग, जिसका जो लुक है काफी अच्छा आपको जो है लुक देखने को मिल जाएगा इस फोन के साथ में। चलते हैं फोन के लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर आपको जो है वॉल्यूम डाउन की आपको जो है देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको मिल जाएगी यहाँ पर सिम ट्रे, जिसमें आप जो है दो सिम कार्ड के साथ में एक मेमोरी कार्ड भी जो है लगा सकते हैं। देखते हैं फोन के अप साइड में, तो कोई भी की कोई भी स्लॉट आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। देखते हैं फोन के राइट साइड में, आपको मिल जाता है यहाँ पर पावर ऑन ऑफ की और वही जो है फिंगरप्रिंट सेंसर का भी जो है काम करता है, और साथ में आपको मिल जाता है यहाँ पर ऊपर की साइड में कॉर्नर पे जो की है स्पीकर, साथ में आपको मिल जाता है यहाँ पर नीचे की साइड में फोन के जो की है चार्जिंग स्लॉट और 3.5mm जैक। तो ये था फोन का फिजिकल ओवरव्यू, कर देते हैं फोन को जल्दी से स्टार्ट और हम देखते हैं कि फोन का डिजाइन के साथ में क्या परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल जाएगा या फिर जो है अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो कि फोन स्टार्ट हो जाता है, हम इसमें स्पेसिफिकेशन की जो है बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा जो कि है 6.0 इंच का डिस्प्ले, जो कि है 18:5:9 स्क्रीन रेशियो के साथ में TFT डिस्प्ले आपको जो है देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर कैमरे की, जो कि है यहाँ पर ड्यूअल रियर कैमरा जो कि है 13MP प्लस 5MP का ड्यूअल रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा जो कि है 8MP का, एंड बात करते हैं यहाँ पर चिपसेट की, तो वो यूज किया गया है स्नैपड्रैगन 425। बात करते हैं यहाँ पर सीपीयू की, तो आपको मिलेगा क्वाड कोर सीपीयू, बैटरी आपको मिल जाएगी जो कि है 3300mAh की बैटरी, और साथ में हम बात करते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो आपको मिलता है यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि है साइड फिंगरप्रिंट, जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। कुछ न्यू डिजाइन किया है यहाँ पर सैमसंग ने अपनी जे सीरीज के लिए, और इसके अलावा आपको मिल जाएगा सिक्योरिटी में फेस अनलॉक। तो ये आपको जो है कुछ की फीचर आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। तो ये फोन हो गया है स्टार्ट, जो कि आप देख सकते हैं आपको जो UI है कुछ वैसा ही देखने को मिलता है जो कि सैमसंग की गैलेक्सी जे सीरीज सभी फोन में जो है देखने को मिलेगा। चलते हैं फोन के सेटिंग में, देखते हैं कि यहाँ पर जो है कौन सा वर्जन आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो हम आ गए हैं अबाउट फोन और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन की तरफ, जहां पर आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड वर्जन जो कि है 8.1.0, जो कि है ओरियो का प्रीलोडेड वर्जन, एंड इसके अलावा आपको वर्जन मिल जाएगा जो कि है सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन जो कि है 9.5, एंड आपको कुछ यहाँ पर कर्नल वर्जन बेस्ट वर्जन वगैरह जो है देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं फोन के डिवाइस मेंटेनेंस की तरफ, देखते हैं कि 64GB से आपको जो है कितना फ्री स्पेस देखने को मिल जाएगा और रैम जो है कितनी फ्री देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपको 52.2GB आपको जो है फ्री स्पेस देखने को मिल जाएगा, एंड रैम आपको जो है देखने को मिलेगी फ्री जो कि है 2.4GB की। तो ये था फोन के अबाउट सेक्शन का परफॉर्मेंस। हम चलते हैं फोन के डिस्प्ले की तरफ, जहां पर हम यूज करते हैं इसमें एक वीडियो, करते हैं प्ले और देखते हैं कि यहाँ पर जो है इस डिस्प्ले का परफॉर्मेंस जो हमें कैसा दिखाई देगा, जो कि है 6.0 इंच का डिस्प्ले यहाँ पर TFT स्क्रीन के साथ में 18:5:9 का स्क्रीन रेशियो। करते हैं कुछ इसमें वीडियो प्ले।
तो हमने यहाँ पर जो है एक वीडियो प्ले किया था जहाँ पे हमने देखा कि एक परफॉर्मेंस जो हमें एवरेज देखने को मिलता है क्योंकि यूज़ किया गया है TFT स्क्रीन। अगर सुपर एमोलेड होता इस प्राइस सेगमेंट में तो हमारे लिए थोड़ा सा बेटर हो जाता क्योंकि सुपर एमोलेड का परफॉर्मेंस जो है डिस्प्ले का काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, ये फ़ोन हो चुका है लॉन्च और आपको मिल जाएगा यहाँ पर TFT स्क्रीन। तो यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो डिस्प्ले का परफॉर्मेंस जो है हमें एवरेज देखने को मिल जाएगा। चलते हैं फ़ोन के कैमरे की तरफ जहाँ पर यूज़ किया गया है डुअल रियर कैमरा जो कि है 13 MP का प्लस 5 MP का। करते हैं कुछ इमेजेस कैप्चर लाइव फोकस के थ्रू और देखते हैं कि यहाँ पर जो है लाइव फोकस का एंड कैमरे का परफॉर्मेंस जो है कैसा दिखाई देता है। तो हमने यहाँ पर जो है कुछ इमेजेस कैप्चर कर ली है फ्रंट और रियर कैमरे दोनों से ही। ये वाली इमेज जो है कैप्चर की गई है ऑटो मोड पे और ये वाली है लाइव फोकस के थ्रू ब्लर इफेक्ट पे। एंड ये वाली इमेज कैप्चर की गई है ऑटो मोड पे। हर इमेज की जो सेकेंड वाली इमेज है वो कैप्चर की गई है ब्लर मोड पे। देख सकते हैं यहाँ पर जो है ऑटो मोड की इमेज जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें जो है देती है, लेकिन अगर इसी जगह हमारे पास सुपर एमोलेड डिस्प्ले होता तो हमें जो है इस फोन में देखने पे इस फोटो का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा और भी अच्छा जो है मिल जाता। देख सकते हैं ये वाली इमेज जो है कैप्चर की गई है ब्लर मोड पे जिसका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाता है जो कि है ये वाली फ्रंट कैमरे की इमेजेस जहाँ पर यूज़ किया गया है 8 MP का फ्रंट कैमरा, जहाँ पर हमें जो है एक अच्छा कैमरा जो है देखने को मिल जाता है 8 MP के साथ में। एंड बात करते हैं सेल्फी फोकस की, तो ये है सेल्फी फोकस, मतलब जो है बैकग्राउंड ब्लर ऑप्शन आपको जो है देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी जो है एक हमें अच्छा जो है इमेज देखने को मिल जाता है। देखते हैं हम चलते हैं फ़ोन की सिक्योरिटी की तरफ। यहाँ पर यूज़ किया गया है साइड फिंगरप्रिंट, देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है। करते हैं चलते हैं फोन की सिक्योरिटी में, करते हैं रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट सेंसर को और साथ में फेस लॉक को, देखते हैं कि कौन सा परफॉर्मेंस जो है हमें अच्छा दिखाई देता है। तो हम आ गए हैं यहाँ पर स्क्रीन लॉक पे, करते हैं फिंगरप्रिंट को रजिस्टर्ड। यहाँ पर आपको करते हैं माउंट। अगर आप यहाँ पर साइड फिंगरप्रिंट की बात करते हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा थंब जो कि काफ़ी स्मूथली काम करेगा आपके थंब के साथ में। तो आप जो है कुछ इस तरीके से जो है रजिस्टर कर सकते हैं अपने थंब को। एंड यहाँ पर कर देता हूँ मैं रजिस्टर्ड। तो हमने कर लिया है रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट सेंसर को, आपको करना पड़ेगा यहाँ पर सिंपली टच, आपका फ़ोन जो है अनलॉक हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर जो है ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो ये की है आपको मिलेगा यहाँ पर पावर ऑन ऑफ करने का भी और यहाँ पर साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर का भी। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको जो है देखने को मिल जाएगा इस फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन यहां पर हम बोल सकते हैं कि एक कुछ डिफरेंट चीज है जो कि है साइड फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है हमें। बात करते हैं फ़ोन के फेस लॉक की, करते हैं फेस लॉक को रजिस्टर्ड, देखते हैं कि क्या फेस लॉक का परफॉर्मेंस भी जो है हमें अच्छा दिखाई देगा या फिर जो है नहीं दिखाई देगा। तो हमने कर दिया है यहाँ पर फेस को रजिस्टर्ड, लेकिन अभी यहाँ पर जो है फिंगर स्कैन कर रहा है, तो मैं यहाँ से जो है दूसरी फिंगर से फ़ोन को अनलॉक करता हूँ और ये आ गया फेस के सामने। तो यहाँ पर जो है फेस का परफॉर्मेंस भी जो है हमें अच्छा सा दिखाई दे देता है।